नोटबंदी के बाद मंदी, व्यापार में घाटे की खबरें आ रही हैं, लेकिन शिरडी स्थित साईं बाबा मंदिर नोटबंदी से बिल्कुल अछूता है। यह इस बार नोटबंदी के 50 दिन में करीब करीब उतना ही दान आया है जितना इस वक्त पिछले साल आया था। शिरडी स्थित साईं बाबा के चढ़ावे पर नोटबंदी का कोई असर नहीं हुआ है। भक्तों ने दिल खोलकर यहां दान दिया है। 8 नवंबर से अभी तक यहां दान में पूरे 31 करोड़ 73 लाख रुपए आए हैं, जिसमें करीब 4.25 करोड़ के पुराने नोट हैं। 18 कोटि और 96 लाख रुपए का यहां पर दान आया है, और जो डोनेशन काउंटर से हमारे उसमें हम लोगों को 4 करोड़ और 25 लाख रुपए का यहां पर दान मिला है। हालांकि नोटबंदी के बाद एक बदलाव यहां देखने को मिला है। ऑनलाइन और कार्ड के जरिए दान आना बढ़ा है। भक्तों ने सोने और चांदी का दान भी साईं बाबा को खुलकर दिया है। 50 दिनों में 2 kg और 909 ग्राम का यहां पर गोल्ड साईं बाबा संस्थान को आया है, जिसकी कीमत 73 लाख रुपीस है, और चांदी का भी यहां पर 56 kg चांदी यहां पर साईं बाबा संस्थान को आई है, जिसकी कीमत यहां पर 18 लाख रुपए है। क्रिसमस की छुट्टियों और नए साल में साईं के दर्शन के लिए सबसे ज्यादा भीड़ आती है। साईं ट्रस्ट को पूरी उम्मीद है कि नोटबंदी साईं के भक्तों को दर्शनों से नहीं रोक पाएगी, और इस बार भी यहां भक्तों के आने का नया रिकॉर्ड बनेगा।